नमस्ते दोस्तों दोस्तों ये मेरा एम्पियर मैग्नस ई स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आप देख सकते हैं एम्पियर मैग्नस ईएक्स नहीं है, ये पुराना मॉडल है। देखिए मेरे गाड़ी को 1.5 साल हो गया है, 18 महीना। अभी मेरा गाड़ी 15,094 किलोमीटर चला हुआ है। अभी देखिए इसमें एक सिंबल आता है, वही सिंबल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मोटर नहीं घूमता है। देखिए ये सिंबल तो समझ में आता है, ब्रेक का सिंबल है या किक स्टार्ट का सिंबल है। जैसे ही मैं ये स्टार्ट को दबा दूंगा ना, सेल्फ स्टार्ट को दबा दूंगा, देखिए वो हट गया, वो सिंबल हट गया, लेकिन ये सिंबल रह गया है। ये जो मोटर का सिंबल दिखा रहे हैं ना, वो रह गया है, इसीलिए मोटर नहीं चलता है। मोटर का सिंबल जब आता है, हमारा मोटर नहीं चलता है। जैसे ही मैं एक्सीलेटर घुमाता हूँ, अभी देखिए ये चल पड़ा। अभी कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है। देखिए अभी उसका स्पीड देखिए 60, अभी उसका स्पीड बढ़ रहा है, घट भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मोटर चल रहा है, मैं लेके जा सकता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। रास्ते में अगर रुक गया तो फिर से परेशानी होगी मेरे को। अभी मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या होता है। देखिए दोस्तों मेरा घर से मैंने आया 2 किलोमीटर, लेकिन रास्ते पर रुक गया, मैं धक्का मार के लेके आया उसको। देखिए फिर से वही सिंबल आया, अभी मैं सेल्फ का बटन दबाता हूँ, वो तो सिंबल हट गया, अभी मोटर का सिंबल रह गया। लेकिन ये मोटर चलता नहीं है, जैसे ही तो आप एक्सीलेटर घुमाएंगे ना, तब मोटर नहीं चलता है। दोस्तों कैसा होता है, नहीं तो अगर ऐसा तो हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ ना, देखिए मैं इसे पहले खोल के साफ करूँगा, इसको ये जो सॉकेट को खोल के साफ करूँगा। उसके बाद अगर ना हुआ तो हम मोटर को खोलेंगे। दोस्तों मैंने कंपनी से फ़ोन किया और कंपनी को पूछा, भाई मेरा मोटर ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला लेके आओ, हम वारंटी में डालेंगे, 15 दिन लगेगा। ये देखिए कैसा कार्बन हो गया है। अभी मैं उसको खोल के साफ करता हूँ, अगर हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो मोटर को लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर में यही दिक्कत है, एक साथ गाड़ी को ऑटो में डालो और लेके जाओ, नहीं तो गाड़ी तो चलने वाला नहीं है, उसको लेके जाना पड़ेगा। कोई कंपनी वाले यहाँ आके ठीक कर सकते, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि कोई आके यहाँ करेगा। दोस्तों अभी मैं उसको पूरा साफ करता हूँ, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम मोटर को खोलेंगे। कंपनी वालों के भरोसे में मैं नहीं रहेगा, कंपनी वालों के भरोसे में रहेगा तो गाड़ी को रख देना है घर में, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना ही नहीं। दोस्तों कोई गाड़ी खरीदता है वो तो दिन के लिए खरीदता है ना, ये 15 दिन कौन वेट करेगा। 15 दिन तक तुम गाड़ी को वेट करके रखोगे, पैदल चलोगे। अरे भाई कंपनी वाले को ये समझना चाहिए कि हमारे पास मोटर अगर स्टॉक होगा तो हमको लगा के दे देंगे, और वो मोटर सर्विस में से आएगा तो हम कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों एक बार गाड़ी अगर आपने ख़रीद के ले आया, उसके बाद कंपनी वालों का कोई दिक्कत नहीं, आपका दिक्कत होगा तो कंपनी वाले आपको समझेंगे नहीं कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो कोई नहीं समझेगा, सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं समझेगा। किसी भी के पास भी जाओ, शोरूम में जाकर लेके जाओ गाड़ी, वो बोलेगा ये नहीं है वो नहीं है, 15 दिन वेट करो। क्या हम गाड़ी लेके आते 15 दिन वेट करने के लिए? अरे भाई अगर गाड़ी ख़राब हुए तो तुम पूरा तुरंत सर्विस दो ना। अभी देखिए दोस्तों उसका ये हट गया है, अभी मैं देखता हूँ क्या होता है। चाबी को और एक बार ऑन करता हूँ। देखिए वो भी नहीं होता है, मोटर स्टार्ट नहीं होता है। देखिए अभी मैं एक बार और साफ करता हूँ, उसके बाद जाके देखिए देखता हूँ सारा पिन को खोल दूँगा। ये देखिए कैसा होता है, मोटर एक्सीलेटर देने पर इतना ही धक्का देता है। दोस्तों मैंने अच्छे से पूरा बिल्कुल साफ किया, वही सॉकेट को पूरा साफ किया, और मोटर का अभी जो मार्किंग है, जो सिंबल है, वो हट गया है। ये देखिए खाली ये सिर्फ यही आता है,
मोटर का सिंबल हट गया है। ये देखिए, इस सेल्फ मारने के बाद वो सिंबल भी हट गया है। अभी हम घुमा के दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा खोल के बिल्कुल पूरा साफ किया है, एक एक पिन को साफ किया है। देखिए अभी मोटर चलने लगा। ये देखिए दोस्तों, कंपनी वालों के भरोसे में ना रहिए, आप खुद अपना काम करने की कोशिश कीजिए। अगर ना ही नहीं होता है आपके हाथ तो कंपनी वालों के पास लेके जाइए।